हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीना दांगी और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दांगी एकेडमी पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक वीडियो कोरोना वायरस पर भी प्रोवाइड करवाऊंगी, क्योंकि ये महामारी लगभग पूरे विश्व में फैल चुकी है। कितना ही इसके लिए वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है, बहुत सारे देशों में वैक्सीन भी डेवलप हो चुकी है। हमारे देश में भी वैक्सीन, दो टाइप की वैक्सीन हमारे इसमें भी लगाई जा रही है, बट देखिए फिर भी कितना ज़्यादा ये फैल रहा है, क्योंकि इसकी जो रेप्लिकेशन पावर है बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगी कि कैसे इसका ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है, कैसे ये रेप्लिकेट हो रहा है, तो यही सब हम जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इस पर स्क्रीन पर कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये आपको यहाँ पर ये जो कोरोना वायरस है इसकी ये स्पाइक प्रोटीन इसको कहा जाता है, जो इसके चारों तरफ ये आपको दिखाई दे रहा होगा, स्पाइक प्रोटीन है ये। देखिए ये जो स्पाइक, देखिए ये क्या है, इसका स्पाइक प्रोटीन है और इसके थ्रू ही ये क्या करता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उससे जाके बाइंड हो जाता है या फिर अटैच हो जाता है। क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसका नेचर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका नेचर होता है सेमी परमियाबल मेम्ब्रेन, दैट मीन्स वो सारी चीज़ों को अपने अंदर एंट्री नहीं देती है और सेम वैसे ही सारी चीज़ों को बाहर भी नहीं आने देती है। बिकॉज यदि वो सारी चीज़ों को बाहर आने देगी तो उसके अंदर के जो माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गॉल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, जो भी चीज़ें होंगी वो सारी बाहर आ जाएंगी। और यदि वो सारी चीज़ों को अंदर आने देंगी तो सेम वैसे ही क्या होगा कि हमारी बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स हैं वो सारे हमारे सेल मेम्ब्रेन में चले जाएंगे, तो इससे तो वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी और वर्क भी नहीं कर पाएगी। बट ये कोरोना वायरस कैसे हमारी सेल के अंदर जा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इसकी बॉडी पर ये जो स्पाइक प्रोटीन प्रेजेंट ही आपको दिखाई दे रहा होगा ना, किले से सिरे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन से जाके अटैच हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कि देखिए आपने लॉक एंड की प्रोसेस पढ़ी होगी बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है ये कि हर एक ताले की एक निश्चित चाबी होती है, यानी वो ताला उसी चाबी से खुलता है, दूसरी चाबी से नहीं खुलता है। फनी ट्रिक के लिए मान सकते हैं कि आप नकली चाबी बनवा ली, यहाँ उसकी बात नहीं की जा रही है। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि एक ताले की एक ही चाबी होती है तो वो ताला उसी चाबी से खुलता है, यानी कि उसका जो शेप होगा दोनों का मैच होना चाहिए। बट इसने क्या करा है कि जो हमारी सेल है उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, यानी सिलेक्टेड चीज़ों को ही वो आने देगी। तो वो सिलेक्ट कैसे करेगी चीज़ों को, कि जैसे आपने किसी भी कहानी में सुना हो कि कीमती ज्वेलरी रखी है या कोई भी हीरे रखे हैं और वहाँ पर अलार्म लगा दिया गया है और वो सिक्योरिटी अलार्म है, वो क्या करता है कि जब भी कोई उसके अंदर डेंजर उसको फील होता है तो वो अलार्म बच जाता है, और यदि डेंजर नहीं हो रहा है, यानी जो चीज़ उसके लिए डेंजरस नहीं है वो उसको पास होने दे रहा है। तो यहाँ पर भी यही है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसमें उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उस पर एक ऐसे ही इंडिकेटर्स लगे होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि किस चीज़ को अंदर आने देना है और किस चीज़ को बाहर जाने देता है। बट ये क्या कर रहा है, इसने अपना स्ट्रक्चर इस टाइप से मेंटेन किया है कि वहाँ जाके बिल्कुल जैसे लॉक एंड की होता है उस टाइप की इसने शेप बना लिया और ये जाकर उससे अटैच हो जाता है और फिर धीरे से सेल में एंट्री कर लेता है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, देखिए कैसे एंट्री ले रहा है, हम ये पूरी प्रोसेस देखते हैं कि ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। आप यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया है पूरा इसका रेप्लिकेशन क्या से हो रहा है, ये भी हम देख लेंगे। तो स्पाइक प्रोटीन्स प्रेजेंट है इसके चारों तरफ, ये इसने क्या करा है कि देखिए सेल मेम्ब्रेन के आउटर जो भी उसके इंडिकेटर से जो आइडेंटिफाई कर रहे थे कि किस चीज़ को अंदर आने देना है और किस चीज़ को बाहर जाने देना है, ये वहाँ से पास हो चुका है, यानी इसको अब कोई डर नहीं है कि यहाँ पर सिक्योरिटी आराम बच जाएगा और यहाँ की एंटीबॉडीज आ जाएगी मुझे किल करने के लिए, इसको अब इस चीज़ का कोई भी डर नहीं है। तो इसने क्या करा है कि धीरे से ये हमारी बाइंड हो चुका है सेल मेम्ब्रेन से और इसने ये हमारी सेल के अंदर ले ली है एंट्री। अब एंट्री लेने के बाद में ये क्या कर रहा है, क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है आरएनए, मोस्ट ऑफ देम जितने भी वायरस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है, जबकि जो ह्यूमन होता है उसका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पर, देखिए ये क्या कर रहा है कि ये जो हमारा राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम्स को,
क्योंकि ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये प्रोटीन ही इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो उसने क्या करा है कि ये जो प्रोटीन स्ट्रेन था, देखिए, और ये अब यहाँ पर ये जो वायरस ने एंट्री ले ली है, तो अब यहाँ पर पॉलीमराइजेशन होने लगा। पॉलीमराइजेशन मीन्स क्या हो रहा है कि ये पॉलीमराइजेशन होने लगा, और इसने अपना क्या करा है कि जो आरएनए था वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो इसने इसकी जो स्ट्रैंड थी इसके साथ मिक्स हो जाएगी, यानी बाइंड हो चुकी है यहाँ पर, और अब इसने इसका पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर दिया, यानी कि अब ये अपनी फोटोकॉपी करने लग गया। यानी कि जैसे ही आपने फोटोकॉपी मशीन के अंदर एक पेपर डाला है और वहाँ आपको जितनी कॉपी करना है आप सेट कर दीजिए, 100 कॉपी 1000 कॉपी, मशीन को थोड़ा ही पता है कि किस चीज़ की कॉपी हो रही है, सही है या गलत है। तो सेम वैसा ही यहाँ पर भी हमारी बॉडी के अंदर भी यही हो रहा है, ये उस जगह एंट्री कर लेता है जहाँ पे उस चीज़ की कॉपी होनी, और फटाफट से बहुत ज़्यादा स्पीड में ये अपनी फोटोकॉपी करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए क्या होता है कि इससे क्योर होना इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है। यदि इसकी जो मल्टीप्लिकेशन पावर लो होती तो इससे क्योर होना ईजिली पॉसिबल हो जाता। तो इसने अपनी कॉपी कर ली है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये नए कोरोना वायरस को अब डेवलप कर रहा है। ये नया कोरोना बन रहा है ये इस टाइप से। यहाँ पर देखिए ये सिंगल स्ट्रैंडेड था, ये हमारा जो साइटोप्लाज्म था ये ब्रेक हो गया, ये हमारी गोल्जी बॉडीज थी, यानी सारी चीज़ों को धीरे धीरे अपने इसमें, यानी हमारी चीज़ों को यूज़ कर रहा है, हमारा ही प्रोटीन यूज़ कर रहा है, फिर ग्रो कर रहा है। तो इसने नया कोरोना अब अपना बना लिया। फिर से वापस ये क्या करेगा, बहुत सारे कोरोना बन गए एक सेल में जाकर, अब ये सेम वैसे ही वापस उसी प्रोसेस को रिपीट करेगा, यानी कि दूसरी सेल पर जाकर ये अटैक करेगा। इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा मास्क पहनना है, और मास्क भी ऐसा नहीं कि बार बार मास्क को रिमूव करा फिर टच कर लिया, कोई मतलब नहीं। और छोटा सा आपको एक काम करना है, एक छोटा सा सैनिटाइजर आपको अपने साथ हमेशा लेकर चलना, और बिल्कुल हैबिट डाल लेना है कि बार बार थोड़े थोड़े टाइम पर आपको सैनिटाइज अपने हाथ को कर लेना है। और जब भी बाहर से आए तो हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने हाथों को ही सैनिटाइज कर लेते हैं, अपने फुटवेयर्स को सैनिटाइज नहीं करते, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी आपको सैनिटाइज कर लेना है। आगे की प्रोसेस देखते हैं अब हम। देखिए ये क्या हो रहा है कि जैसे इसने एंट्री ली थी, ये एंट्री ली है, और ये इसका आरएनए था, इसने कॉपी करना स्टार्ट कर ही दिया। देखिए इसका आरएनए यहाँ से रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद में क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस हुई है। फिर धीरे धीरे इसने क्या करा है, देखिए हमारा राइबोसोम्स, जो राइबोसोम्स था उसने से इसने कॉपी करना स्टार्ट किया, यानी बहुत सारे कॉपी कर लिए इसने, गोल्जी बॉडीज के अंदर भी इंटर करा है, और फिर यानी सारी चीज़ें हमारी यूज़ कर रहा है, और फिर हमारी ही बॉडी को ये हार्म कर रहा है। धीरे धीरे इसने रेप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए रेप्लिकेट हुआ, और फिर ये क्या करने लगा है, और जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेवलप हो जाएगा तो ये हमारी सेल क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, क्योंकि ये 2019 में ऑकर हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, COVID-19, क्योंकि ये एकदम करंट का टॉपिक है और बिल्कुल चल रहा है, तो एग्ज़ाम में आने के बहुत सारे चांसेस हैं, इसीलिए मैं आपको इस टॉपिक को लेकर आई हूँ। देखिए कैसे मैंने आपको जो बताया था कि हमारी सेल मेम्ब्रेन से किस टाइप से अटैच हो रहा है, तो ये जो शेप बताया है मैंने यहाँ पर आपको, ये वाई जैसा जो शेप दिख रहा है, ये मान लीजिए कि हमारी जो आउटर बाउंड्री है हमारी सेल मेम्ब्रेन की वो है, और इस पर जिसका स्पाइक प्रोटीन है वो जाके लॉक एंड की प्रोसेस के थ्रू ही सेम वैसे ही अटैच हो जा रहा है, और इसको एंट्री मिल रही है, और उसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पर रेप्लिकेशन हो रहा है। पूरी प्रोसेस आपको दिखाई दे रही होगी, एंट्री मिलने के बाद में ये इसने क्या करा है, अपना जो आरएनए था वो रिलीज कर दिया है, और फिर असेंबल हो गया है हमारी गोल्जी बॉडीज के साथ में। देखिए इस टाइप से पूरा और ट्रांसलेशन हुआ, फिर ये न्यूक्लियस में एंट्री करी है इसने, और धीरे धीरे जहाँ पर क्या होती है, आपने माइटोसिस मियोसिस प्रोसेस पढ़ी होगी, सेल डिवीजन कैसे होता है, नई सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यहाँ पर ये कोरोना वायरस पूरा उसी प्रोसेस के थ्रू अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो बड़ा स्ट्रक्चर आपको बता दिया है, देखिए किस टाइप से ये एंट्री ले रहा है। सपोज़ कीजिए आपकी सेल है और ये इसके ऊपर सेंसर लगे हैं, बट इसने इसको पास कर लिया है, सिक्योरिटी अलार्म को भी इसने डिस्ट्रॉय कर दिया है, और बॉडी के अंदर एंट्री ले ली है। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है स्पाइक प्रोटीन है, ये इसका इनवलप प्रोटीन है बाहर से, और ये मेम्ब्रेन है, यानी तीनों टाइप के प्रोटीन बताए, स्पाइक प्रोटीन, इनवलप प्रोटीन एंड इसकी जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियोकैप्सिड है प्रोटीन, इसका जो एडिटिव मटेरियल है वो है आपका, क्या है आपका यहाँ पर, आरएनए। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये पूरी बॉडी के अंदर
फैल रहा है, कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है सेल को, साथ ही कौन कौन से वैक्सीन डेवलप हो गए, किस कंट्री में कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है, और किस कितने दिनों का उसमें गैप होना चाहिए वैक्सीन लगाने के लिए, वैक्सीन कैसे वर्क करती है हमारी बॉडी पर, तो ये सारी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि कोरोना से बचने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें मास्क, 1 मीटर का डिस्टेंस और सैनिटाइजर, तो वो मत भूलिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि क्योर होने से बेस्ट है प्रिकॉशन लेना। थैंक यू सो मच।